इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध इंदौर में भी अब हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर रेलवे स्टेशन पर सेना भर्ती में पहुंचे युवाओं ने हंगामा किया है। सूचना के बाद यहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया। मौके पर आसपास के थानों के पुलिस जवान भी लगाए गए हैं। इसके बाद छात्र यहां पर इकट्ठा हो गए, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पहुंच गए। यहां पर छात्रों ने जाम लगा दिया जहां पुलिस के वाहन रवाना हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोक दी है। इंदौर से उज्जैन जाने वाली मेमू समेत दो ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। युवक सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने से रोका, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद भारी फोर्स तैनात की गई। पुलिस ने छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिसके बाद वहां पर हंगामा और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर पुलिस बल तैनात है, छात्रों ने जाम लगा दिया है, पुलिस के वाहन यहां पर रवाना किए गए हैं। पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन को यहां पर रोका गया है। आप देखिए रेलवे ट्रैक को को पूरी तरह से यहां पर बाधित किया गया है ताकि ट्रेन यहां पर ना आ सके। इंदौर से उज्जैन जाने वाली मेमू समेत दो ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। युवक सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और पुलिस ने इन्हें आगे जाने से किसी तरह से रोका है, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद भारी फोर्स की तैनाती यहां पर हुई है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग करने की यहां पर जरूरत भी पड़ रही है। 4 साल बाद 75 जवानों की सेवा समाप्त हो जाएगी। इस बात को लेकर छात्र नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 25% छात्रों को तो वहां पर रखा जाएगा, लेकिन बाकी 75% छात्रों का क्या? 10वीं से 12वीं तक के छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी नाराजगी यहां पर जता रहे हैं। अग्निपथ परीक्षा योजना को लेकर ट्रेनिंग पीरियड भी ड्यूटी पीरियड में ही शामिल होगा और इनका यह कहना है कि हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा और ऐसे में सरकार को हमारे बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि ये छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं, मानने को तैयार यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको हम अग्निपथ परीक्षा योजना क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को यहां पर बाधित किया गया है ताकि यहां से कोई भी ट्रेन आने जाने ना पाए। युवाओं ने यहां पर हंगामा किया है, बड़ी संख्या में यहां पर छात्र पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र ना हो उसे रोकने के लिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। केंद्र सरकार की ये योजना है अग्निपथ परीक्षा योजना और इसका विरोध इंदौर में भी अब हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। सेना भर्ती में पहुंचे युवाओं ने यहां पर हंगामा किया है। इनका कहना यह है कि 4 साल के लिए तो हमारी भर्ती होगी, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य अधर में होगा और ऐसे में सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, इस बात के लिए नाराजगी यहां पर जताई जा रही है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मिथिलेश, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? रेलवे ट्रैक बाधित किया है, इंदौर की ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। बड़ी संख्या में तैनाती हुई है यहां पर पुलिस बल की, छात्रों को रोकने की कोशिश है। फिलहाल आप वहां पर क्या कुछ देख रहे हैं, अपडेट दीजिए। देखिए विरोध प्रदर्शन जो है सिर्फ रेलवे ट्रैक में नहीं किया गया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है कि सैकड़ों छात्र इस वक्त लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जमा हो गए हैं, जैसे ही बाणगंगा पुलिस पहुंचती है छात्र पथराव कर देते हैं। बाणगंगा थाना प्रभारी की पूरी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, लगातार पुलिस पर पथराव किया जाता है। एक सब इंस्पेक्टर सहित कई जवान घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले का प्रयोग करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद से जो छात्रों की भीड़ है तितर बितर हो पाए। लेकिन जिस तरीके से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस को देखते साथ ही पथराव कर देते हैं। पुलिस उस वक्त में सख्ती का प्रयोग नहीं करती तो प्रदर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसे ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिलती है, 5 से 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है। एडिशनल सीपी, सीपी, डीसीपी सभी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पहुंचते हैं। फिलहाल जो पुलिस के पास जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 7:30 बजे उज्जैन रूट से ट्रेन आती है, जिसमें अधिकांश छात्र, पुलिस का कहना यह है कि शाजापुर उज्जैन के थे। जैसे ही लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जो आसपास की जो पैसेंजर ट्रेन थी उनके सामने ही बवाल करना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त ये बवाल
किया जा रहा था उस वक्त दो गाड़ियां वहां पे मौजूद थी जिसमें पैसेंजर भरे हुए थे। अगर पुलिस सख्ती का प्रयोग नहीं करती तो जिस तरीके से ग्वालियर और बिहार में बड़ा हादसा देखने को मिला, बिहार में जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेन थी तमाम ट्रेनों में आग लगा दी गई, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया गया, ऐसा ही कुछ इंदौर में भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने आंसू गैस गोले छोड़ने के साथ में ये हम कह सकते हैं कि पत्थरबाजों पर जो डंडों से पुलिस ने प्रयोग किया और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन देखिए जो विरोध प्रदर्शन का स्वरूप है वो कहीं से उग्र होता जा रहा है, इसको लेकर आज इंदौर पुलिस की अलर्ट पर है। मांगलिया लक्ष्मीबाई नगर जो मुख्य रेलवे स्टेशन है यहाँ पे पुलिस का जो फोर्स अमला है काफी संख्या में तैनात है। महू में भी आज चेतावनी दी थी छात्रों ने कि एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, पहले से एक बड़ा फोर्स बटालियन का वहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना का जो विरोध है सात राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन जिस तरीके से आज छात्र सुबह पहुंचे और एक बड़ा बवाल करने की बड़ा उग्र प्रदर्शन करने की उन्होंने कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये डराने वाली तस्वीर है क्योंकि प्रदर्शन कल भी हुआ था, कल शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, आज सुबह जो प्रदर्शन था उग्र प्रदर्शन हो गया और आसपास साजापुर उज्जैन जहां से बताया जा रहा है कि छात्र आए थे उस ट्रैक पे भी अब पुलिस निगरानी कर रही है। तो फिलहाल पुलिस फोर्स इस वक्त लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन में मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है और जो ट्रेनों का आवाज आई है एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। लेकिन देवास हो साजापुर मक्सी रूट जो भी ट्रेन की रूट है वहां के लिए स्पेशल निर्देश जारी कर दिए गए, अलर्ट पे रखा गया है, रेलवे ट्रैक के आसपास पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी और तमाम अगर छात्रों का कहीं मूवमेंट देखा जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। 15 से ज्यादा छात्रों को बारांगा पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में ले लिया है, जो 34 पुलिसकर्मी है उनका यहाँ के सरकारी एमओ अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। तो छात्र सिर्फ अपनी मांगों को लेकर अड़े नहीं हुए हैं, जब भी पुलिसकर्मी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि आप रेलवे ट्रैक छोड़ दें, सार्वजनिक जो संपत्ति है सरकारी जो संपत्ति है उसका नुकसान न पहुंचाए, आम जनता को आपके विरोध का से सामना न करना पड़े, उन्हें परेशानी दिक्कत ना हो, तो छात्र उग्र हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से पथराव की स्थिति भी बन रही है। लेकिन आज एक बड़ा बवाल देखने को मिला लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पे क्योंकि बिल्कुल तो ये कहा जा सकता है मिथिलेश की अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ साथ और ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। हालात पर आप नजर रखिएगा, आपके पास हम आगे लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे पर भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने हंगामा किया, सुरक्षा के लिहाज से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने सेना के नए भर्ती मॉडल को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की है, मांग पूरी नहीं होने पर 21 जून को उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में अग्निपथ की आग किस तरह यहाँ पर तेज होती चली जा रही है। छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, ये विरोध दिन पर दिन अब और ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस बल की कोशिश ये है कि इन छात्रों को यहाँ पर और ज्यादा उग्र होने से रोका जाए और उसकी तैयारी भी की गई है। लेकिन आप देखिए कि कितनी असहूलियत वहां पर अब हो रही होगी, कितनी मुश्किल वहां पर हो रही होगी, रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। छात्रों की ये नाराजगी दिखाने का एक तरीका, और हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आया है। प्रशासन की तरफ से ये बात भी कही गई है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की जाए तो किससे की जाए। आप देखिए फिलहाल कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये 3 तस्वीरें हैं आज इंदौर में जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीर हमने दिखाई, उसके साथ में आप देख रहे हैं कल उज्जैन में विरोध की तस्वीरें, 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और ये सभी तस्वीरें इस बात का सबूत है कि ये छात्र कितने उग्र हो गए हैं और कितने नाराज हैं केंद्र की इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। फिलहाल नाराजगी जता रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन करके, किसी भी हद किसी भी बात को अभी फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है। सेना में भर्ती की ये नई स्कीम अग्निपथ योजना, इसका विरोध आप देखिए आज भी चल रहा है और कल भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। अलग अलग शहरों में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और अलग अलग शहरों में तस्वीरें इसी तरह की देखने को मिल रही हैं, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र हैं और उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, इंदौर उज्जैन और ग्वालियर। उज्जैन में छात्रों का प्रदर्शन आपने देखा और इन्हें रोकने की कोशिश
पुलिस बल किस तरह से कर रहा है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, हल्के बल प्रयोग की जरूरत भी यहां पर पड़ रही है क्योंकि ये विरोध और ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। छात्र यहां पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लगभग हर शहर में कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है और जाहिर तौर पर सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि नाराजगी दिखाने का ये उग्र तरीका अख्तियार किया है इन छात्रों ने। 21 जून को इनका ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा, ये चेतावनी भी इन छात्रों की तरफ से जारी की गई है।